हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबाउंड एडिटर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है टर्निंग मोमेंट डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा आज का, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फटाफट देखते हैं आज का पहला इसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन। ठीक है फ्रेंड, ना हम यहाँ पे SI की बात करने वाले हैं, ना हम यहाँ पे CI की बात करने वाले हैं। मैं क्लियरली कर दूँ पहले आपको, मैं हम बात करने वाले हैं सिंगल सिलेंडर, जहाँ पे एक सिलेंडर होगा और फोर स्ट्रोक्स होंगे उसके। फोर स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है, एक आपका सक्शन स्ट्रोक होगा, ठीक है, एक कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक से बोलते हैं, थर्ड आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। ओके फ्रेंड, ठीक, नाउ चेक करते हैं। ओके चलिए, जैसे कि टॉपिक हमारा क्या है आपका, टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो फर्स्ट आपका फ्रेंड जी कोई मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टर्निंग मोमेंट डायग्राम। फर्स्ट क्या होता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम, होता क्या है, हम क्यों बनाते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम, आखिर इससे क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं, हम सारी इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था आपका, उसमें क्वेश्चंस भी था SSJE का था कि ये IC इंजन और थर्मोडायनेमिक में उसका थ्योरी ऑफ मशीन में दोनों में सेम टॉपिक है आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम। फटाफट देखते हैं टाइम को ध्यान में रखते हुए, व्हाट इज़ टर्निंग मोमेंट डायग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, तो इट इज़, देखिए मैं बोलते चलता हूँ फटाफट, लिखने से टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है। इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, टर्निंग मोमेंट का। जैसे लास्ट में मैंने बताया भी था आपको, टर्निंग मोमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टर्निंग मोमेंट का, और किसका, टर्निंग मोमेंट को हम टॉर्क भी बोलते हैं। उसको हम लिखते हैं कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है आपका और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे क्रैंक एंगल। क्रैंक एंगल जो होता है यहाँ लिखते हैं उसे हम थीटा। क्रैंक एंगल कहाँ लिखे हैं उसे हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, ये टॉर्क यहाँ पे, अभी टर्निंग मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा आपका टर्निंग मोमेंट, ठीक। तो वाई एक्सिस क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले टॉर्क लिखेंगे एंड क्रैंक एंगल कहाँ लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे, ठीक। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्निंग मोमेंट, टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस एंड क्रैंक एंगल ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक। ओके तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, हम सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में। फर्स्ट एक हम इससे पहले ये आगे बढ़े, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम किसका बनाएंगे, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन का, ठीक है। फोर स्ट्रोक में एक डायग्राम बनाते हैं पहले, आपको सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी, ठीक। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल जीरो से पाई, जीरो से पाई, देन पाई से टू पाई एंड उसके बाद थ्री पाई और यहाँ पे फोर पाई, ठीक। क्योंकि वन वन आपके 180 डिग्री पे चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हमने इसे ऐसे किया, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक। साथ साथ में आपको फ्रेंड ने ये बनाने के साथ साथ ही यहाँ पे यहाँ से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी दिखाता चलता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता चले। अभी ये TDC पे है, यहाँ पे क्रैंक लगा हुआ है, क्रैंक ये पिस्टन है आपका, पिस्टन कनेक्ट है इससे, ठीक। यहाँ पे अभी एक साथ साथ ये ऊपर ही है, अभी मान लेते हैं हम ऐसा है, अब यहाँ से टर्न होगा, हम क्लॉकवाइज टर्निंग कर रहे हैं, टर्न होगा क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ पहुँचेगा, ये टर्न होके नीचे पहुँचेगा यहाँ पे 180, तो ये नीचे आ जाएगा पूरा, सक्शन स्ट्रोक होगा, ये ऊपर से नीचे जा रहा है पहला सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक के केस में कैसे बनाएंगे हम, ठीक। सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक गया, कोई से पॉइंट पी तक गया, फिर यहाँ पे यहाँ तक आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सक्शन स्ट्रोक यहाँ से लेकर के पूरा ये जो था आपका क्रैंक था, क्रैंक कहाँ रोटेशन हुआ, क्योंकि ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, तो क्रैंक यहाँ से यहाँ पे 180 डिग्री चेंज हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर सक्शन स्ट्रोक, ठीक। पहले क्या था आपका, ये सक्शन स्ट्रोक था, तो ऊपर से नीचे आया यहाँ पे, अब क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अभी यहाँ पहुँच गया है, अभी दूसरा देखते हैं, यहाँ नीचे पहुँचा हुआ है, अब ये नीचे पहुँचा हुआ, अब फिर से क्या होगा, क्रैंक यहाँ से आपका यहाँ से टर्न करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ से हट के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, वापस TDC पे आ जाएगा, BDC से कहाँ पहुँच गया, टॉप डेड सेंटर पर पहुँच गया फिर से। तो यहाँ देखेंगे हम क्या होगा, प्योर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मतलब क्या, एनर्जी दी जा रही है, यानी होल क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद फर्दर क्या होगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में फिर से पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, एनर्जी जो थी TDC से पिस्टन, वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा फिर से। यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, एक्सप्लोजन होने से क्या होगा, ये पिस्टन TDC से कहाँ पहुँच जाएगा, फिर BDC पे जाएगा नीचे की तरफ, नीचे कितना जाएगा, फिर से 180 डिग्री जाएगा, तो 180 जाएगा, तो यहाँ पावर मिलेगा, इसे हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, यानी एनर्जी गिवन है पूरा, ये एनर्जी हमें मिलेगा यहाँ से, एनर्जी मिलेगा तो होल कर्व क्या हो जाएगा, होल कर्व जो होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव कर्व होगा, पॉजिटिव कर्व होगा पूरा, ठीक है। इससे फर्दर क्या होगा, फर्दर से लास्ट देखते हैं, इसका लास्ट में क्या बनता है, सिलेंडर पिस्टन को देखेंगे फिर से, अभी नीचे हो चुका होगा,
अब यहाँ पे क्या है, बर्न गैसेस हैं पूरी, ये वाली बर्न गैसेस मैं ऐसे बना देता हूँ, बर्न गैसेस हैं, इसको निकालना भी होगा, ये ऊपर जाएगा फिर से, फिर से ऊपर जाएगा, मूवमेंट कितना होगा 180 का फिर से होगा, फर्दर 180 का मूवमेंट होगा, 180 मूवमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पहुँचेगा फिर पॉइंट पर आके ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, ये आपका क्रैंक एंगल था थीटा, कितना कितना क्रैंक रोटेशन हुआ, टी डी सी से बी डी सी, बी डी सी से टी डी सी, ठीक, पूरा ऊपर नीचे करके ऐसे ये चार बार हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे, तो एक हमारा ये क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये क्या है, सक्शन स्ट्रोक, पहला क्या था हमारा सक्शन था, ठीक है, उसके बाद क्या था, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ कंप्रेशन, COMP कंप्रेशन, नेक्स्ट इसके बाद क्या था हमारा, यहाँ पे जो पावर मिला है इसे पावर स्ट्रोक बोलते हैं। उससे पहले आप देखते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है, ये आपकी ये लाइन क्या है, वो टॉर्क मीन है, टॉर्क क्या है, वो मीन है, और ये जो लाइन है ये मैक्सिमम टॉर्क, ये यहाँ पे क्या लिखा है, वो वाई एक्सिस पे क्या है, टॉर्क है, ये यहाँ पे क्या है, टी मैक्स, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये किसकी लाइन है, टी मैक्स की लाइन है, सबसे ऊपर क्या है, टी मैक्सिमम टी मीन। तो पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ जाएगा, व्हाट इज़ टॉर्क मीन, क्या होता है, तो देखिए जितना भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, टर्निंग मोमेंट हमें रिप्रेजेंट क्या करता है, तो जो एरिया ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन पर रेवोल्यूशन, ये जितना एरिया है पूरा टर्निंग मोमेंट डायग्राम का, वो हमें क्या बताता है, वो बताता है वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टर्निंग मोमेंट, और कितना हुआ, जितना थीटा पे ये चेंजेस हो रहे हैं, वही तो आपका होगा टोटल। ठीक, आगे देखते हैं फिर हम इसमें, तो ये हो जाएगा वर्क डन आपका टोटल। अब टी मीन, टी मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी मीन, टी मीन का मतलब क्या, इतनी इतना एनर्जी हमें चाहिए रन करने के लिए पूरे सिस्टम को, एटलीस्ट इतना चाहिए चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, वर्क डन पर साइकिल वेन डिवाइड बाय द क्रैंक एंगल, जब क्रैंक एंगल को वर्क डन पर साइकिल से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आता है हमारा, टी मीन निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए ये इतना जो निकला यहाँ से, मैंने इसको एडिट किया ऐसे करके, ये क्या, ये एक्स्ट्रा वर्क है, क्या है ये, एक्स्ट्रा वर्क समझ लीजिए, एक्स्ट्रा एनर्जी समझ लीजिए इसको, एक्स्ट्रा एनर्जी, यही एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ होगी, स्टोर की जाएगी किसमें, फ्लाईव्हील में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, अभी समझते हैं उसे, इससे पहले क्या है, हमने यहाँ देखा टी मीन, यहाँ पे देख लिया हमने इतनी एनर्जी चाहिए चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है हमारे यहाँ पे, ये सेडेड वाला है, इसे स्टोर किस में किया जाएगा, आपका फ्लाईव्हील में स्टोर करेंगे, जो फर्दर जो सक्शन स्ट्रोक है आपका, कंप्रेशन स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट, इसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसी एनर्जी से, जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकला हुआ है उसी से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे, एक इसका यूज क्या है, जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है इसका यूज क्या होता है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम का यूज क्या करते हैं हम। ठीक है, तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम का यूज क्या होता है, यूज ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम, यूज ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, इसका यूज क्या होता है, फर्स्ट देखिए इसका यूज क्या होता है, इसका फ्लाईव्हील की, फ्लाईव्हील जो होता है आपका, फ्लाईव्हील जो होता है डिस्क टाइप का होता है, रिम टाइप का होता है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पे टीएमडी डिस्कस कर रहे हैं खाली। फ्लाईव्हील क्या होगा, फ्लाईव्हील जितनी एनर्जी स्टोर की जाएगी उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, उसका मास कितना होना चाहिए, क्या हम कौन से इंजन में कितना बड़ा फ्लाईव्हील लगाना चाहिए, हमें डिस्क लगाना चाहिए, रिम टाइप लगाना चाहिए, ये फ्लाईव्हील का डिज़ाइन किस बेस पे होगा, ये इस बेस पे होता है कि जो टर्निंग मोमेंट का कितना एनर्जी यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी कितना है उसका, ये वाला। तो ये क्या है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम का यूज़ कहाँ होता है, ये होता है फ्लाईव्हील के डिज़ाइन करने के लिए। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ देखा अभी, टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम के बाद इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, और ये जो वर्क डन एक्स्ट्रा है, ये वर्क डन एक्स्ट्रा कहाँ होता है, फ्लाईव्हील में। फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील यूज टू कंट्रोल द वेरिएशन इन स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द इंजन, जितने भी साइकिल, हर साइकिल में इंजन के जो ऑपरेशन है, फ्लक्चुएशन जितना हो रहा है उसको वो स्टोर करने का काम किसका करता है, वो फ्लाईव्हील करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड मेरी वॉन्ट टैक्स, थैंक यू।